मध्य प्रदेश के, मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोविड काल में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो सेवा दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो अभिनंदनीय है। कोविड की दो लहरों के कारण एक तरफ जहां हमारे राजस्व की आय में भारी कमी आई, क्योंकि जानते हैं आपके दो लहरों के कारण 8 महीने लगभग सभी व्यापार और उद्योग ठप्प जैसे रहे, एक तरफ खजाने में पैसा नहीं बचा, दूसरी तरफ कोविड के इलाज के लिए भारी धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी। इसलिए कुछ दिन हमने वेतन वृद्धि का करने का जो फैसला था उसको स्थगित रखा था और महंगाई भत्ता भी हम नहीं बढ़ा पाए थे। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।